न्यूरो सर्जरी में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि न्यूरो सर्जरी होती क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि न्यूरो सर्जरी में हम ब्रेन एंड स्पाइन, जो कि दिमाग, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज किया जाता है। इसमें मरीज जैसे कि सिर दर्द, हाथ पैरों में कमजोरी, सूनापन, लकवा और आदि विभिन्न न्यूरो से संबंधित समस्याएं लेकर डॉक्टर के पास कंसल्ट कर सकते हैं। और न्यूरो सर्जरी में हम इसके अलावा रीढ़ की हड्डी या सिर में चोटों का इलाज भी न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब सारांश में यह है कि न्यूरो सर्जरी में मरीज रीढ़ की हड्डी एवं ब्रेन से संबंधित किसी भी समस्या के इलाज के लिए न्यूरो सर्जरी में कंसल्ट कर सकते हैं। और न्यूरो सर्जरी में हम डिफरेंट जो भी एस्पेक्ट्स हैं मरीज के न्यूरो सर्जरी में रिलेटेड, उन सभी का इलाज किया जाता है। जैसे कि सिर में, अगर ब्रेन में सिर में चोट लग जाना, ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाना, ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो जाना, दिमाग में पानी भर जाना, ब्रेन में इन्फेक्शन होना या अन्य किसी कारण से दबाव बढ़ जाना, ब्रेन में ट्यूमर हो जाना, इन सभी चीज़ों का इलाज। इसी तरह स्पाइन में भी जैसे रीढ़ की हड्डी में डिस्क हो जाना, अन्य किसी कारण से रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर या रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन या रीढ़ की हड्डी में अन्य कोई समस्या या रीढ़ की हड्डी में बनावट में कोई समस्या होना, जो कि जन्मजात भी हो सकती है, इन सभी समस्याओं का इलाज न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी में वैस्कुलर डिसऑर्डर, जैसे कि ब्रेन में एन्यूरिज्म जिसके कारण अचानक से दिमाग में खून की नस फटने के कारण ब्लीडिंग होना, या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण अचानक से दिमाग में ब्लीडिंग होना, लकवा आना, ये सब समस्याएं न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत आती हैं। और इसमें न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत केवल ऑपरेशन द्वारा ही नहीं, काफ़ी समस्याएं होती हैं जिनका बिना ऑपरेशन के भी इलाज करने का प्रयास किया जाता है, एवं ज़रूरत होने पर मरीज का ऑपरेशन द्वारा इलाज किया जाता है।